बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के प्रस्ताव से बिजली अफसरों का आक्रोश बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लाइज एवं इंजीनियर्स के आह्वान पर बिजली विभाग के अधिकारी एक दिवसीय कामकाज का बहिष्कार करेंगे। मंगलवार को अपने आंदोलन के तहत बिजली विभाग के अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे और इस दौरान वे अपने मोबाइल फोन भी बंद रखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा वितरण कंपनियों के निजीकरण के प्रस्ताव और विद्युत सुधार अधिनियम 2021 को लागू नहीं करने को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बिजली कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, बिजली कंपनियों के सभी कर्मचारियों को फ्रंटलाइन कर्मचारी मानकर मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना में शामिल किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी एक दिनी हड़ताल पर रहेंगे। मंगलवार को मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लाइज एवं इंजीनियर्स के बैनर तले बिजली विभाग के अधिकारी मंगलवार को कामकाज का बहिष्कार करते हुए अपनी मांगों के संबंध में आवाज बुलंद करेंगे। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लाइज एवं इंजीनियर्स के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के कर्मचारियों की पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था करते हुए उत्तर प्रदेश शासन की तरह गारंटी लेकर पेंशन का लाभ दिया जाए। प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लाइज के द्वारा यहाँ पर रखी गई है। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि हम लोग जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी ये सामूहिक यूनियन है और उसके माध्यम से हम लोग अपनी विभिन्न मांगों को तो उठा ही रहे थे सतत, लेकिन शासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अभी आज इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा बिजली क्षेत्र का जो वितरण का जो क्षेत्र है उसको प्राइवेटाइज करने के लिए एक बिल लाया जा रहा है, जो अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो उसका विरोध करने के लिए हमारा जो ऑल इंडिया फोरम जो है उसके माध्यम से भी ये कॉल है, जिसके तहत हम कल 10 तारीख को कार्य का बहिष्कार करेंगे। और हमारा ये मानना है उससे कि अगर ये बिजली के क्षेत्र का वितरण के क्षेत्र का निजीकरण अगर हो जाएगा तो हम लोगों को तो समस्याएं होंगी, आम उपभोक्ता को भी महंगी बिजली मिलेगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि बिजली का वितरण के क्षेत्र का निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसी अपनी मांग को लेकर के हम लोग ये यूनाइटेड फोरम के तत्वाधान में हम जबलपुर ज़िले में जो एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, इसमें हमारी शिफ्ट ड्यूटी चालू रहेंगी व जो हमारे अदर वर्क हैं कार्यालय कालीन के जो कार्य हैं वो सभी बंद रहेंगे। इसमें जनता से अनुरोध रहेगा और हम चाहेंगे कि उनका भी सहयोग बना रहे ताकि हमारा ये आंदोलन सक्सेसफुल हो और जो राज्य शासन है वो हम लोगों की मांगों पर ध्यान दे। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लाइज एवं इंजीनियर्स के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों के संबंध में सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो 24 से 26 अगस्त तक 3 दिन का संपूर्ण कार्य बहिष्कार और उसके बाद 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार किया जाएगा।